दोस्तों, अब तक ट्विटर के ऊपर जितनी भी बातें हुई हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा छोटी सी बात होंगी, क्योंकि ट्विटर के ऊपर अब जो हो रहा है ना वो एक ब्लंडर हो रहा है। जो ये $8 का ब्लू वेरिफिकेशन बैच चल रहा था ना, ये निकल गया है उल्टा दाव एलॉन मस्क के लिए। क्योंकि भैया ट्विटर के ऊपर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके एक ट्वीट से कई सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। भाई ट्विटर के ऊपर मोदी जी भी मौजूद हैं और कई सारे नेता भी मौजूद हैं। अब मोदी जी का एक ट्वीट आ जाए कि भैया 1 जनवरी 2023 की रात से नोटबंदी दोबारा से चालू हो जाएगी, 2000 का नोट बदल के 5000 में बदली हो जाएगा, तो ट्वीट कितनी तेजी से फैलेगा। क्योंकि वो वेरीफाइड अकाउंट से आया है तो आप कहोगे भाई हाँ ये जेन्युइन ट्वीट है, तो भैया हड़कंप मच जाएगा, रातों रात सबकी नींदें उड़ जाएंगी। 2000 के नोटों की कट्टे ले लेके लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे। और एक और एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं कि भैया जो बाइडेन का एक ट्वीट आ जाए कि हम अब रशिया के ऊपर न्यूक्लियर लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि ये नहीं सुधर रहा है, कुछ होगा नहीं होगा भाई, सारी दुनिया के अंदर हड़कंप मच जाएगा कि ये हो क्या गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उनका अकाउंट टर्मिनेट क्यों हुआ है ट्विटर के ऊपर से? उन्होंने एक ट्वीट ऐसा कर दिया जिसकी वजह से न्यूयॉर्क में दंगे हो गए और काफ़ी सारी बातें उनके ऊपर आ गई, जिसकी वजह से उनको चुप करवा दिया गया उनका अकाउंट टर्मिनेट करके, ट्विटर से ही नहीं फेसबुक से भी। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गलती हुई तो काफ़ी बड़ा कुछ हो सकता है। अब यहीं पर एलॉन मस्क ने कर दिया एक बहुत बड़ा ब्लंडर, जो है $8 में ब्लू वेरिफिकेशन बैज हर एक बंदे को देना। उनकी ये बात गलत नहीं थी कि $8 में वो दे रहे हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा गलत था। उनकी ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये एकदम बच्चों जैसा है, कि जैसे कि बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवा रहे हैं कि अच्छा तू भी एडमिशन लेना चाहता है, $8 दे ला तेरा भी एडमिशन, तुझे भी ब्लू वेरिफिकेशन बैज देंगे। तो इस तरीके का तो इनका प्रोसेस रहा है, जिसकी वजह से कई सारे फेक अकाउंट्स के पास में ब्लू टिक मौजूद है जो कि किसी की नकल कर रहे हैं, डुप्लीकेट बंदे बनके घूम रहे हैं। जैसे कि एलॉन मस्क का ही एक अकाउंट चल रहा था जो कि भोजपुरी में कुछ ना कुछ लिख रहा था, लोग उसको असली मान रहे थे। खैर उसको तो इंपर्सनेट करने का रीज़न देके उसको टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन अब ऐसे ऐसे अकाउंट घूम रहे हैं ट्विटर के ऊपर $8 में ब्लू टिक लेके, जो कि गलत सलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक निंटेंडो के ही फेक अकाउंट से मारियो ने, जो कि बच्चों का फेवरेट है, जो भी गेम खेली होगी मारियो वगैरह की, वो मिडल फिंगर दिखा रहा है, जबकि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता था कि ये बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर इस तरीके की हरकत करे। तो यहाँ पर एक बंदे ने भी कहा इसी तरीके की बात, लेकिन नीचे ट्वीट आता है उसी अकाउंट से कि भैया अब तो हो गया। अब इसके बाद में लॉकहीड मार्टिन का एक फेक ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, सिर्फ $8 लगते हैं आजकल तो पूरा वेरीफाइड बनने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट करके कह दिया कि सऊदी अरेबिया, इजराइल और US को हम अपने वेपन बेचना बंद कर रहे हैं जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, जो भी उनके रिकॉर्ड में ह्यूमन राइट वायोलेशन हुई है या अब्यूजेस हुए हैं उसके ऊपर वो पूरी तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तब तक उनको बेचेंगे नहीं। अब ये खुद कंपनी US की है, तो इसका भी एक फेक अकाउंट बनाकर ट्विटर पे ट्वीट कर दिया गया। अब यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन के सिर्फ एक ट्वीट की वजह से, जो कि गलत अकाउंट से किया गया था, इनके स्टॉक के प्राइस गिर गए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि मतलब ये सिर्फ लॉकहीड मार्टिन का ही किस्सा नहीं, एक और कंपनी है, दूसरी कंपनी के नाम से भी कुछ ट्वीट कर दिए गए थे तो उनके भी शेयर गिर गए। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है कि $8 खर्च करके किसी इंसान ने बिलियंस ऑफ डॉलर किसी कंपनी के लुटा दिए, उसको घाटे में डाल दिया इतना। और इसके बाद में US के प्रेसिडेंट रह चुके George W. Bush का एक फेक अकाउंट तैयार कर दिया गया, जिसके सिर्फ 519 फॉलोवर थे। ये है इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस, 519 फॉलोवर वाले को वेरिफिकेशन बैच सिर्फ $8 में दे दिया गया, और उसके बाद में उसका बायो चेक कर लो तो क्या हुआ मैंने अगर 9/11 किया है तो। इसके बाद में एक और ट्वीट इनका आया था, ये इसके बायो में लिखा हुआ था, और इसका एक ट्वीट था कि आई मिस किलिंग इराकीज़। तो ये सारा का सारा चीज़ें अब ट्विटर के ऊपर चल रही हैं, सिर्फ $8 लगते हैं। और इतना ही नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जिन्होंने गंदे भद्दे ट्वीट कर रखे होंगे। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ही ले लो, उनका ये ट्वीट देख के आप कहोगे मैंने हाइड कर रखी है कुछ चीज़ें, लेकिन काफ़ी गंदा कुछ कह रखा है इसके अंदर उन्होंने। तो भैया पहले जैसा ट्विटर था ना, वो इतनी आराम से किसी को भी ब्लू टिक देता नहीं था, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, फॉलोवर्स होने पड़ते थे आपके काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद में आपका बैकग्राउंड चेक होता था कि अगर आपने
ने कोई ट्वीट गलत तो नहीं कर रखा जिसमें टर्म एंड कंडीशन का वॉयलेशन कर रखा हो, तो भी नहीं मिलता था वेरिफिकेशन बैज अगर इनमें से किसी भी चीज़ पे आप खड़े नहीं उतरे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ $8 दो, एलन मस्क आपको ब्लू वेरिफिकेशन बैज दे देंगे ऐसे ही। सो अगेन मैं एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ पर आइडिया बिल्कुल भी गलत नहीं था, यहाँ पर ट्विटर के कमाने का अच्छा खासा आइडिया था, हम सभी ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी, मजाक भी उड़ाया था। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसका, आइडिया सही है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल गलत है। मतलब जिस तरीके से हर एक बंदे को दिए जा रहे हैं, तो फिलहाल के लिए तो इन्होंने ये पॉज कर दिया है कि अब नहीं दे रहे हैं किसी को भी ब्लू टिक, क्योंकि जिस तरीके का ब्लेंडर हो रहा है, इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कई सारी कंट्रीज से, कई सारी गवर्नमेंट से, कई सारी कंपनीज से, कि भैया ये हो क्या रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है और इनके एडवर्टाइज़र भी भाग रहे हैं धीरे धीरे, तो जो उनकी अर्निंग थी वो एकदम से गिरी है, जिसकी वजह से एलन मस्क थोड़े से घबराए और इस ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैज जो मिल रहा था $8 में उसको पॉज कर दिया गया, अभी किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले ये इसको फिक्स नहीं कर लेते, इससे पहले कि ये जान नहीं लेते कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, या फिर देने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब ये ट्विटर किस तरीके से फिक्स करेगा, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है, क्योंकि आप यूज़र नेम यूनिक रख सकते हो लेकिन जो नाम होता है वो कोई भी किसी का रख सकता है। अब आपने कह तो दिया कि $8 में मैं देने को राजी हो रहा हूँ, लेकिन दोगे कैसे, नाम तो सबके सेम हो सकते हैं, यूज़र नेम यूनिक हो सकता है। अगर मान लो जॉर्ज बुश एक है तो कई और होंगे जॉर्ज बुश नाम के, तो भैया वो रख सकते हैं, लेकिन हाँ वो पिक्चर विक्चर का प्रोफाइल वगैरह का भी फिर वेरिफिकेशन पता नहीं किस तरीके से करेंगे, वरना कोई भी किसी की प्रोफाइल बाद में तो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे चैनल का नाम देखो इसको है, मैं नाम नहीं चेंज कर सकता वरना ये वेरिफिकेशन बैज चला जाएगा, लेकिन मैं प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकता हूँ। अब ऐसे ही कोई और बंदा कर सकता है, देखो इसको नाम का बना बनू के, अब उसका यूज़र नेम अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शायद वेरिफिकेशन बैज मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, और जब मेहनत करेगा बंदा तो वो चाहेगा कि उसका खुद की आइडेंटिटी हो, खुद का नाम हो, खुद की चीज़ें हो। अब यहाँ पर क्या है कि $8 दो, अब कल ही तुमने बनाया ट्विटर अकाउंट, आपको मिल गया वो, अब चलो मचा दो आतंक। सो अब ट्विटर के बर्बादी वाले दिन नज़दीक आ चुके हैं, जिस तरीके से इनके एडवर्टाइज़र इनसे भाग रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अब मतलब देखो, पेप्सी का ही एक किसी ने ट्विटर अकाउंट बना के ये कह दिया कि कोक बेटर है। अब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो क्या पेप्सी वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे ट्विटर के ऊपर, या फिर रीबॉक वाला कह दे कि भैया नाइकी बेस्ट है तो क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनियाँ भाग रही हैं और कह रही हैं भैया तुम्हारे इधर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एलन मस्क का ही टेस्ला, एलन मस्क का ही ट्विटर है, एलन मस्क का ही स्पेसएक्स है, और टेस्ला का ही एक फेक अकाउंट ट्विटर के ऊपर कुछ इस तरीके की बातें लिख रहा था। अब इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस इस तरीके का है कि खुद की कंपनी का भी नहीं देख रहे कि ये किसका है किसका नहीं, $8 मिल रहे हैं ना, बस आन दे पैसा, कर देते हैं तेरा वेरिफिकेशन बैज अप्रूव, ले जा। तो ट्विटर को भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो जैसा पहले प्रोसेस यूज़ करता था उसी प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा, और ये भी जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं इसको सही करना पड़ेगा, वरना ये कंपनी शायद इस न्यू ईयर के आने से पहले ही ये कह दे कि भैया हम बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि कई सारे इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो भी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं कि हमें रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो हम पहले ही निकल लेते हैं, जब सामने वाला जॉब देने को तैयार है तो उधर ही कर लेंगे, यहाँ तो रिस्क है भाई करने में। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कुछ ट्विटर का एक ऐसा ब्लंडर है जो कि उनको जल्दी फिक्स करना पड़ेगा, वरना काफ़ी कुछ हो सकता है। वैसे तो चलो लोगों को अगर समझ आ रहा है धीरे धीरे कि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच हो रहे हैं, और अगर वो टिकते हैं यहाँ पर और इस तरीके की चीज़ें किसी को पता नहीं चल रही कि असली है नकली है, तो भैया दंगे भी हो सकते हैं, मार धाड़ भी हो सकती है, काफ़ी कुछ हो सकता है। आपको मालूम है कि कोई भी किसी कम्युनिटी को कुछ भी कह दे, कोई बड़ा आदमी बन के दिखा के, तो काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके ट्वीट से हुए हैं भाई कई जगह दंगे, हुए हैं कई जगह अटैक, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो तो उसके लिए ट्विटर को अभी से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।